पीएम किसान योजना यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। साथियों, आज की यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री किसान योजना क्या है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी कि 15वीं किस्त जो किसान प्राप्त कर चुके हैं, उनके मन में सवाल होगा कि 16वीं किस्त का पैसा कब आएगा। जी हाँ, 16वीं किस्त का पैसा आएगा, लेकिन वो पैसा रुक सकता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आपको 15वीं किस्त का पैसा मिल चुका है तो 16वीं किस्त का पैसा आपका रुक सकता है। जी हाँ, 2024 में बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आप सभी को जानकारी होगी कि एक साल में 6000 रुपये किसान भाइयों के खाते में भारत सरकार धनराशि ट्रांसफ़र करती है। प्रत्येक किस्त में 2000 रुपये साल में दिए जाते हैं। एक साल में 3 किस्त किसान भाइयों के खाते में दिए जाते हैं। आपको बता दें कि अक्टूबर के महीने में किसान भाइयों के खाते में 15वीं किस्त आ चुकी है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि 16वीं किस्त का पैसा प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले किसान भाइयों, आपको यह बता दें कि अभी तक अगर आपने EKYC नहीं करवाई है तो आप EKYC करवा लें, क्योंकि EKYC बैंक अकाउंट नंबर से आधार को भी लिंक करना ज़रूरी है। शॉर्टकट में आपको बता दें चले कि EKYC के बाद आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें आधार कार्ड को लिंक करना आवश्यक है, तो ही आपके खाते में राशि आएगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं उनको ऑफिशियल दिनांक जारी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन आपको बता दें कि 15वीं किस्त का पैसा नवंबर महीने में ट्रांसफ़र भी किया गया था। उसके दरमियान बताया जा रहा है कि 16वीं किस्त का पैसा फरवरी या मार्च में आएगा, लेकिन आपको बता दें कि EKYC करना आवश्यक है। आपको जानकर होगी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो लाभ ले रहे हैं पंजीकृत किसान, उनके लिए आपको बता दें कि जो EKYC नहीं कराएगा उनके खाते में राशि ट्रांसफ़र नहीं होगी। इसके लिए आप ऑनलाइन आपके गांव में या आपके शहर में जो ऑनलाइन सेंटर है वहां पर जाए और आधार कार्ड अपना ले जाए और आपका EKYC अवश्य करवाएं। आशा करते हैं साथियों, किसान भाइयों और प्यारे दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसी ही तमाम सरकारी योजना संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।